गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम देख रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर पेपर थर्ड, जिसका नाम है अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, आर्थिक प्राणी विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में हमें अध्ययन करना है, जिसकी प्रथम यूनिट जो हमारी है उसके अंतर्गत आज जो हम देख रहे हैं वो देखना है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मलबरी एंड नॉन मलबरी, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मलबरी शहतूत के वितरण एवं गैर शहतूत के वितरण के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो आज का हमारा जो एजेंडा है वो है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मलबरी एंड नॉन मलबरी सिल्कवर्म शहतूत और गैर शहतूत के वितरण। ठीक है, सिल्कवर्म जो रेशम है उनके बारे में हमें अध्ययन करना है, कौन कौन सा रेशम। ठीक है, उसमें सबसे पहले हमें परिचय देखना है, टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म के बारे में और रेफरेंसेस के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन एजेंडा है वो हमें क्या देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मलबरी एंड नॉन मलबरी सिल्कवर्म। ठीक है, रेशम कीट के शहतूत एवं गैर शहतूत का वितरण। यह हमारी यूनिट फर्स्ट से, और सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है हमारा इंट्रोडक्शन। परिचय की बात करनी है। ठीक है, रेशम कीट जो है सिल्क वर्म है, वर्म जैसे कीट हैं वो कौन कौन से रेशम के हैं, उसमें शहतूत एवं गैर शहतूत के आधार पर उन्हें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनके वितरण को देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि भारत जो क्षेत्र है, भारत में रेशम उत्पादन का जो उद्योग के रूप में विकसित हुआ, इसलिए इसे कपड़ों की रानी के रूप में माना जाता है। तो उसके बारे में हमें जानना है कि किंग ऑफ जो क्लॉथ है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और इसका हमारे देश में क्या महत्व है, ये किस में जो है डेवलप कंट्रीज में इसका क्या यूजेस है, उसके बारे में हमें देखना। आइए हमारी पीपीटी की स्लाइड पर। फर्स्ट हमें देखना है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमें देखने हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ पर विकसित की गई हैं। सबसे पहले हमें देखना है रेशम एक विशेष फाइबर, ठीक है, तंतु और कपड़ों की रानी के रूप में लोकप्रिय होने के कारण धन अमीर और शहरी बाजार से गरीब और ग्रामीण उत्पादकों के लिए एक चलता है। ठीक है, मानव शक्ति की बढ़ती लागत को मद्देनजर रेशम उत्पादन के पीछे हटने वाले विकसित देशों के रूप में रेशम उत्पादन विकासशील देशों को आशा और अवसर प्रदान करती है। सेरिकल्चर या रेशम कीट पालन में निवेश के संसाधनों का लाभ महसूस करने के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने वर्षों में ग्रामीण विकास के लिए सेरिकल्चर पर आधारित कार्यक्रमों पर जोर दिया। देश के वैश्विक परिदृश्य में वर्तमान स्थिति में लाने में सेरिकल्चर और रेशम निर्माण उद्योग की भूमिका और कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में भारत जैसी कृषि अर्थव्यवस्था में मौजूद क्षमता रेशम की विविधता में विविधता है कि कोई भी देश इस बात पर गर्व कर सकता है कि कपड़ों की इस रानी में से बहुत सारी चीज़ें हैं को बनाने एवं कपड़े को सुंदर बनाने की जो कुशल जनशक्ति को अब योजनाकार द्वारा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रेशम की दुनिया में भारत को कम से कम चार भेदों का श्रेय दिया जाता है। भारतीय रेशम के सबसे बड़े
उत्पादकों में एक है। रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, शहतूत के कच्चे रेशम का सबसे बड़ा आयतकार और विश्व में व्यावसायिक रूप से शोषित रेशम के सभी चार उत्पादक हैं, मलबरी, टर्सर, एरी और मूंगा, और उत्पादन और उत्पादकता में लगातार वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। भारत में विस्तृत भौगोलिक एवं कृषि जलवायु विविधताओं को समाहित करता है। शहतूत की खेती को शीतोष्ण, उपकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वितरित किया जाता है, जबकि ये प्रमुख हिस्सा उष्णकटिबंधीय में आता है। तो ये तो हमने इसके परिचय के बारे में बताया और देखा है कि कौन कौन सी वस्तु स्थिति हमें इसमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो हमने इसके बारे में देखा कि किस प्रकार से ये हमारे जीवन में और जीवन के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये हमें उपयोगीता प्रदान करता है। तो हमें अब जो देखना है, सबसे पहले हम बात कर चुके हैं परिचय के संदर्भ में, अब हम जो देख रहे हैं वो हमें जो देखना है वो इसके प्रकार के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म, कौन कौन से टाइप से सिल्कवर्म के, उसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो सिल्कवर्म में हम देखें कि टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म में से पहला हमारे पास है मलबरी सिल्कवर्म, जिसको हम शहतूत या रेशम कीट कहते हैं, जिसमें उसकी जाति का नाम है बॉम्बेक्स मोराई। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे टर्सर सिल्कवर्म की। ठीक है, टर्सर रेशम कीट, ठीक है, जिसकी जाति का नाम है एंथेरिया पेफिया। नेक्स्ट हमें देखना है मूंगा सिल्कवर्म, मूंगा की जो हमारी है एंथेरिया ऑसोमेंसिस, और ईरी सिल्कवर्म में देखना है फिलोसेमिया सीरिनाई भी कहते हैं, या एटस सी रिसिनाई भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चार प्रकार की इसकी जातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है कौन कौन से इसका जो गण है। ठीक है, लेपिडोप्टेरा है, ठीक है, इसकी क्लास जो है इंसेक्टा है, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। ये नॉक्टर्नल जानवर है, ठीक है, जो बैठते समय अपने पंखों को फैलाए रहते हैं, तथा इनकी श्रृंगिका एंटीना द्विकंघाकार होती है। रेशम का उत्पादन इन्हीं शलभों या कैटरपिलों के द्वारा चारों ओर कोया या कोकून बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, मौत या शलभों की निम्नलिखित प्रजातियों में हमने सबसे पहले मलबरी सिल्क, ठीक है, टर्सर सिल्क, मूंगा सिल्क एंड ईरी सिल्क जो देख रहे हैं, ये चार प्रकार बता रखे हैं। इससे पहले हम जाने टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म में, नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सिल्कवर्म रेशम कीट के प्रकार। ठीक है, अब यहां पर हम जो देख रहे हैं इसकी क्लास जो है हमारी वो कौन सी है, इंसेक्टा, वर्ग जो है वो इसका इंसेक्टा है, और इसका ऑर्डर या गण की बात करें लेपिडोप्टेरा है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं ये जो जानवर है वो कौन से हैं, रात्रिचर हैं। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हैं, ठीक है ना, एक तो हमारे पास है मौत या शलभ जिसको हम बोलते हैं, और एक होती है हमारे पास बटरफ्लाई।
ये और एक अंतर होता है हमारे पास इस प्रकार से। ये कलरफुल होते हैं जबकि ये भद्दे होते हैं। ये 45 डिग्री के एंगल पर बैठते हैं और ये 90 डिग्री के एंगल पर बैठते हैं। ये रात्रिचर है और ये नॉक्टर्नल, ये डायर्नल दिनचर्य, ठीक है। इन्हें हम तितली या बटरफ्लाई के नाम से जाना जाता है, इन्हें मोथ या शलभ के नाम से जाना जाता है। ये दोनों में अंतर है। हमें जो देखना है रेशम कीट के वितरण के शेतुत एवं गैर शेतुत के आधार पर, मलबरी और नॉन मलबरी के आधार पर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सिल्क वर्म की, तो पहले हमें ये जानना जरूरी था कि इसका इंसेक्टा ऑल ओवर है, इसकी क्लास है, और लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है जिसके अंतर्गत ये आते हैं। और इन दोनों में अंतर है, ये नॉक्टर्नल है और ये डायर्नल है। ये मॉथ या ये बटरफ्लाई के जो बैठने के जो तरीके हैं वो आप देख सकते हैं। इनके एंटीना इस प्रकार से, इनके एंटीना इस प्रकार कंघे के समान होते हैं। ये 90 डिग्री के एंगल पर बैठता है और ये 45 डिग्री के एंगल पर बैठते हैं। तो ये बेसिक था इनका। अब देखेंगे इनकी कौन कौन सी जातियां और वो किस प्रकार से हैं, ठीक है। ऑर्डर हमने देख लिया है। पहला हम देख रहे हैं मलबरी जो होता है सिल्क माउथ है। सेकेंड हम देख रहे हैं टर्सर सिल्क माउथ है। नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं मूंगा सिल्क माउथ, एंड लास्ट है ईरी सिल्क माउथ। अब ये कौन सी लीव्स यूज करते हैं, इससे बनने वाला जो रेशम है वो किस प्रकार का दिखाई देता है, ये सारी जानकारी हम लेंगे। उससे पहले हम इस चार्ट को देखेंगे, फ्लो चार्ट को। कॉमर्शियली सिल्क प्रोडक्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब ये दो भागों में बांटा है, डिवाइडेड बाय मलबरी सिल्क वर्म एंड नॉन मलबरी सिल्क वर्म्स। अब इनमें कौन कौन सी जातियाँ हैं, तो फर्स्ट ऑफ मलबरी के लिए तो यहाँ पर हाईलाइट कर दें हम, कौन सी है हमारे लिए, बॉम्बेक्स मोराई। ये उसका लार्वा, ये इसका जो एडल्ट है, ये उसका कॉकून है, इस प्रकार से ये दिखाई देता है। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है वो हमारे लिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास एंथेरिया ऑसोमेंसिस जो कि मूंगा सिल्क वर्म के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है एंथेरिया माइलिटा, एंथेरिया पेरिनेरी और सीमा, ठीक है, रिसिनाई जो कि एरी सिल्क है, ठीक है। तो ये चारों यहाँ पर चार से पांच मलबरी और नॉन मलबरी के लिए बताया। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं ये तो हमारा लार्वल स्टेज है, ठीक है। ये हमारी एडल्ट जो हमारे मौत मिल रहे हैं किस प्रकार से दिखाई देते हैं, और ये हमारे कॉकून है जिससे हमको सिल्क जो मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, हमें जो देखना है सबसे पहला हमें देखना है वो देखना हमें मलबरी सिल्क देखना है। और मलबरी सिल्क रेशम शहतूत रेशम कीट के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो हमें देखना है कि जो शहतूत रेशम कीट यह पूर्णतः पालतू कीट होता है, एशिया का मूल निवासी है। इस रेशम कीट की गत हजारों वर्षों में इतना अधिक पाला गया कि आज यह बिना मानव देखभाल के जीवित नहीं रह सकता। लगातार चयन एवं संकरण करके मानव ने इसकी कई प्रजातियां विकसित कर ली जो एक वर्ष में 2 से 7 पीढ़ियां देती है, जिन्हें निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहले यूनिवोल्टाइन रेयर एक प्रजाति एक वर्ष में एक पीढ़ी या फसल क्रॉप देती हो। बाइवोल्टेट रेयर द्विप्रज प्रजाति एक वर्ष में 2 पीढ़ियों की फसल देती हो। और मल्टीवोल्टाइन रेयर बहुप्रज प्रजाति एक वर्ष में कई पीढ़ियों की फसल देती हो, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है यह मुख्य रेशम कीट है जिससे हमें रेशम मिलता है।
मूल रूप से यह चीन में पाला जाता था, परंतु आज विश्व के प्राय सभी रेशम उत्पादक देश इसे पालकर रेशम प्राप्त करते हैं। भारत में कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बांग्ला, कर्नाटका तथा तमिलनाडु प्रांतों में यह कीट पाला जा रहा है। शहतूत, मोरस अल्बा, मलबरी या मोरस अल्बा इसके कैटरपिलर या प्राकृतिक भोजन हैं, ठीक है, इसलिए इसे शहतूत रेशम कीट, मलबरी सिल्कवर्म के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा स्रावित रेशम को शहतूत रेशम, मलबरी सिल्क कहते हैं। शहतूत रेशम सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले शहतूत का प्लांट इस प्रकार से हमें दिखाई देता है और यहाँ पर ये अपने कोकून को बनाता है। इसकी पत्तियों या लीव्स को भी ये खाते हैं, ठीक है। ये इसका लार्वल है, ठीक है। ये इसका मॉथ है जिसका नाम है बॉम्बेक्स मोराई। ये कॉपुलेशंस कर रहे हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। मेल छोटा और मोटा, फीमेल जैसे ये हमारा मेल है और ये हमारी फीमेल है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें मलबरी सिल्क वर्म से या शहतूत कीट से जो सिल्क प्रोड्यूस इस प्रकार से दिखाई देता है और ऐसा कपड़ा बनता है, इसलिए इसे कपड़ों की रानी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉल मलबरी सिल्क वर्म, गैर सरकारी जिसको हम गैर शहतूत सॉरी टर्सर सिल्क वर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमें जिसके बारे में, ठीक है, गैर शहतूत का वितरण जिसे हम देख रहे हैं, टर्सर जो रेशम है, ये जंगली रेशम कीट है जिन्हें पालना अत्यंत कठिन कार्य है, अतः इनके कैटरपिलर को जंगलों से एकत्र किया जाता है। ये कीट मुख्यतः भारत, चीन, श्रीलंका तथा मलेशिया के कुछ भागों में पाया जाता है। भारत में यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, असम में पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है। यह प्रजाति एक वर्ष में एक या दो पीढ़ियों ही देती है। वयस्क के पंखों का विस्तार 140 से 190 mm होती है। इसके कैटरपिलर बेर जिसे जिजीफस जूजेबा, साल शोरिया रोबस्टा, अर्जुन टर्मिनेलिया अर्जुना, असन टर्मिनेलिया टॉम्पे टोमेटोसा तथा अंजीर फाइकस कैरिका आदि पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं। इसका कोया बड़ा एवं कड़ा होता है जिससे रेशम के धागे को निकालना या निकाला जा सकता है। यह रेशम तुम्बाई, कॉपरिंग या भूरे ब्राउन रंग का होता है। चूंकि इस रेशम कीट में वयस्क एवं कैटरपिलर को पालना बहुत कठिन है, अतः टेसर रेशम उद्योग इतना विकसित नहीं हो सका जितना शहतूत रेशम उद्योग विकसित हुआ, जिसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट। ये इसका लार्वा एंथेरिया फेपिया सुंदर सा, इसका मौत है। ये पत्तियों को यहाँ पर उगता है, इस प्रकार से इसका रेशम प्राप्त होता है। नेक्स्ट ईरी सिल्कवर्म, यह जंगली तथा अर्धपालित रेशम कीट है। यह मूल रूप से असम का निवासी है, एरी। ये कीट एक वर्ष में अधिकतम 5 पीढ़ियों को देती है। इसके कैटरपिलर सॉम, मैकिलस, बॉम्बिफीना, स्वालू, लसिया, पॉलियंथा तथा सिनेमोन पेड़ों की पत्तियों को खाते हैं। वयस्क कीट में पंखों का विस्तार 150 से 170 mm होता है। वयस्क शलभ के अगले पंख में पाए जाने वाले कांट इन्हें कोया से बाहर निकालने में मदद करता है। इन्हें कैटरपिलर सफ़ेद या अंबर कोया बनाते हैं जिसमें सफ़ेद या पीले रंग का रेशम प्राप्त होता है। चूंकि मूंगा रेशम कीट की कोया उत्पादकता कम होती है, अतः इस रेशम कीट को पालना आसान नहीं है, जिसके बारे में हम देखेंगे। ये इस प्रकार से दिखता है इसका लार्वा, ये सुंदर सा देखेंगे आप, इसका मौत है।
फिलोसेमिया रेसिनाई। अरंडी जो एरी है इससे भी याद रख सकते हो, इनकी पत्तियों को ये विशेषकर खाते हैं और यहाँ पर ये उगते हैं। ठीक है, इस प्रकार का ये रेशम प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है सबसे लास्ट मूंगा रेशम कीट। ठीक है, इस कीट को एटकसी रिसिनाई के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह असम, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, मणिपुर में पाला जाता है, परंतु असम में यह कीट प्राकृतिक रूप से बहुतायत में मिलता है। ये रेशम कीट प्रतिवर्ष अधिकतम 5 पीढ़ियां देते हैं। इनके कैटरपिलर का मुख्य भोजन अरंडी सिमिनस कम्युनिकस की पत्तियां, इसलिए इसके द्वारा उत्पादित रेशम को अरंडी रेशम भी कहते हैं। अरंडी के अतिरिक्त इसमें कैटरपिलर कैसू, हेट्रोपेनेक्स, फैंस, पपीता, केरिया पपैया जिसका साइंटिफिक नेम है, आदि की पत्तियों पर भी पाले जा सकते हैं। वयस्क शलभ के पंख चॉकलेटी या काले रंग के होते हैं, जिन पर सफ़ेद अर्धचंद्र का निशान पाए जाते हैं। पंखों का विस्तार 136 से 144 mm तक होता है। कैटरपिलर हरे रंग के होते हैं, जिन पर काली या नीली धारियां या गुलिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें कोया से रेशम को धागे को खोला नहीं जा सकता। ठीक है, इसके धागे को काटा जाता है। ठीक है, और ये रेशम दुधिया रंग का होता है, देख सकते हैं आप, जिसका लार्वा एंथेरिया ऑसोमेंसिस इस प्रकार से इसका रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम संदर्भ देखेंगे, ये कौन कौन सी पुस्तक से लेकर बनाया गया है। तो इकोनॉमिक जूलॉजी, ठीक है, डॉक्टर जी एस शुक्ला एंड डॉक्टर वी भी उपाध्याय रस्तोगी पब्लिकेशन से लिया गया है। अप्लाइड जूलॉजी एंड अरोमंगम सालस पब्लिकेशन से। अप्लाइड जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी डॉक्टर गायत्री स्वर्णकार एंड डॉक्टर कैफी सोनी CBC पब्लिकेशन से। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7424843007 और ये हमारा ईमेल एड्रेस है BIHScollege20@gmail.com। धन्यवाद।